नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है नोएडा से। ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर गिराए जाएंगे। भ्रष्टाचार की इमारत, जो कि नियमों के खिलाफ ये इमारत बनी थी और उसके बाद 7 साल चली कोर्ट पे सुनवाई के बाद आखिरकार इस इमारत को गिराने जाने का जो दिन है वो नजदीक आ चुका है। बेहद कम समय जो है वो बचा है, 12 बज चुके हैं और 2:30 बजे, जी हाँ करेक्ट, 2:30 बजे जो ये ट्विन टावर है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें पूरी तरीके से कवर अप कर दिया गया है। टीम वहां पर मौके पर मौजूद है जो कि पूरी तरीके से उनकी निगरानी के अंदर ये टीम जो ये बिल्डिंग जो है उसे ध्वस्त किया जाएगा। और अमर सैनी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमर, फिलहाल अभी वहां की तस्वीरों के साथ हमें दिखाएं और बताएं कि क्या ताजा जानकारी है आपके पास इसको लेकर, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और 2:30 बजे का वक्त, करेक्ट 2:30 बजे जो है इस ट्विन टावर को, बहुमंजिल इमारत को डा दिया जाएगा। यहाँ बिल्कुल 2.5 घंटा केवल शेष रह गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे ट्विन टावर की, ट्विन टावर ये हमारे बिल्कुल तस्वीरों पीछे देख सकते हैं आप। और लगातार जो है यहाँ पर अधिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ का डाटा ले रहे हैं पूरे इलाके का, इलाका जो है बंद कर दिया गया है। बता दें कि जो बैरिकेड है, बैरिकेड के पीछे आप देखें कि जो पानी की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं टैंकर हैं वो उधर आप देखते हैं, शायद दूसरी साइड देखते हैं तो उधर जो पानी के टैंकर है वो भी बुला दिए गए हैं। वो इसलिए बुला दिए गए हैं अगर जो बिल्डिंग ध्वस्त की जाती है तो ध्वस्त की जाएगी, मलबा जो है वो आएगा उसको दबाने के लिए जो है यहाँ पर जो बड़े बड़े गाड़ी जो है बुलाई गई थी। और हम पीछे आप देखें जो पूरी पुलिस फोर्स है, पुलिस गाड़ी 4-4 घंटे आपको नजर आ रही है, लगातार यहाँ पर गाड़ियां खड़ी है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो है मतलब जो है 2:30 बजे का रह गया है, 2:30 बजे जो है मात्र 2.5 घंटे जो यहाँ पर अधिकारी अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि केवल जो बिल्डिंग जब ध्वस्त की जाएगी तो वहाँ पर जो जो वहाँ के जो लोग हैं, केवल यहाँ पर जो अधिकारी हैं, वहाँ पर 6 अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे निगरानी में। वहाँ पर देखेंगे क्योंकि कोई आसपास की जो है कोई दिक्कत तो नहीं है, जो वहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो उसमें मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और अमर, क्योंकि ट्विन टावर के पीछे जो पूरी तस्वीरें रही हैं और जो पूरी स्थिति रही है जिसकी वजह से आज ये समय आया है कि इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि 7 साल लंबी जो बहस थी वो अदालत के अंदर चली जिसके बाद ये नतीजा निकल कर सामने आया कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के नियमों पर ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर खड़ी हुई, क्योंकि पूरा ग्रीन बेल्ट का एरिया जो है आसपास, और ये कहा गया था बिल्डर्स की तरफ से कि यहाँ पर पेड़ जो है वो उगाए जाएंगे, हालांकि उसकी जगह ये बहुमंजिला इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई शुरुआत में। हालांकि जो मंजिलें थी, जो इस बिल्डिंग की मंजिलें थी वो कम थी, लेकिन बाद में इसे और बढ़ाया जाने लगा जिसके बाद कोर्ट में ये मामला पहुंचा और उसके बाद ये फैसला यहां पर हुआ। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि वहां पर स्थिति यहां पर ये है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है उन्हें खाली करवा दिया गया है, अब अभी क्या प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिनट टू मिनट जो चीजें हैं वो वहां पर काउंट की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग जो आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ घंटों बाद भ्रष्टाचार की बिल्डिंग यहाँ पर नहीं रहेगी। कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सोसाइटी के जो इस साइड के जो वो है फ्लैट है वो भी जो है खाली करा दिए गए हैं। पीछे भी आप साइड देखेंगे तो पीछे की साइड पूरा रोड आपको दिखाते हैं, पूरा रोड जो है वो पूरा ब्लॉक कर रखा है, केवल मीडिया और पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2:15 बजे से लेकर काउंटडाउन जो होगा आज इस व्यक्ति से बात कर, चलिए लगता है संपर्क फिलहाल टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही ट्विन टावर है जो कि आज 2:30 बजे ध्वस्त हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसमें पूरी बिल्डिंग आपको बता दें विस्फोटक यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन इस टेक्निक के साथ लगाए गए हैं कि जब इसमें विस्फोट होगा तो जो कंक्रीट है वो बाहर की तरफ ना आकर इनवर्ट्स में ये कंक्रीट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत खुशी होती है, आपको पता है कि 10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में अगर जीत मिलती है तो उसका कितना आनंद आता है वो हर आदमी जानता है। उसी तरीके से हमें भी बहुत खुशी है कि आज जो जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी वो
आखिर समय उसका आ गया है और 2:30 बजे ये 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो जाएंगी। तो ट्विन टावर का बनना एमराल्ड कोर्ट के बायर्स के लिए भी बड़ा धोखा था, तो अब इसे गिराने की जो प्रक्रिया है वो भी अब अंतिम चरणों में है। और अमर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि वहां पर मौजूद है मौके पर, और ट्विन टावर क्योंकि वो बिल्डिंग भी आप ठीक वहां पीछे देख पा रहे हैं जाहिर तौर पर अमर, क्योंकि तस्वीरें भी बहुत कुछ बोल रही है, एक लंबी लड़ाई, क्योंकि जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी उनकी भी तमाम जो बाइट्स हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं और बेहद खुश हैं कि उनका ये जो संघर्ष था 10 साल वक्त काफी लगा लेकिन आखिरकार उनके हक में फैसला आया। जी हाँ बिल्कुल, संघर्ष था, हमको उन्होंने पूरी फाइट करी, 10 साल के बाद ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ये जो गिराया जाए। तो हालांकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे जो यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के जो एडिशनल कमिश्नर है वो भी आए थे मौके पर, उन्होंने भी जायजा लिया था, विजय कर्मी से बात की, जो पुलिस आला अधिकारी है उनसे भी बताया गया था। हालांकि जो पूरा एरिया वो अभी भी नापुदाव पूरा एरिया जो है कवर कर दिया गया है, हालांकि कोई ऐसा सामने अभी तक जो आम जनता है क्योंकि ये बहुमंजिला इमारत जो है इसको लेकर काफी कुछ हुआ, कई बार सुनवाई यहाँ पर हुई, डेट्स जो थी इसके ध्वस्तीकरण की वो तक काफी चेंज हुई थी, लेकिन फिलहाल आज वो समय यहाँ पर आ चुका है जब ये ट्विन टावर जो है वो ढह जाएगा। आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है सुबह से ही, लेकिन इसके ध्वस्तीकरण के बाद की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी वो भी बताएं हमें अमर। हाँ बिल्कुल, ध्वस्त करने के बाद जो है करीबन 4:30 बजे का वक्त रहेगा, 4:30 बजे तक की पूरा ब्लॉक रहेगा, 4:30 बजे तक की सोसाइटी में किसी को एंट्री नहीं मिल पाएगी, 4:30 बजे के वक्त 4:30 बजे के बाद ही सोसाइटी में किसी को आने की परमिशन मिलेगी। हालांकि कुछ तस्वीर जो मैं बताऊँ पूरा एकदम आप देखें कि तीन चार की जो बगल की जो सारी वो सोसाइटी है पूरा पूरा पैक कर दिया गया है, किसी ने अपना किसी ने ब्लैक चादर से पैक किया, किसी ने व्हाइट चादर से पैक किया, किसी ने ग्रीन चादर से पैक किया है, इसे पूरा पूरा बिल्डिंग है पूरी सील कर दी गई है और 4:30 बजे के बाद ही किसी को सोसाइटी के अंदर की आने की अनुमति दी जाएगी। जी अमर, क्योंकि ट्विन टावर में सैकड़ों लोगों ने अपने फ्लैट्स भी बुक किए थे, हालांकि इनमें से कईयों के जो रिफंड है वो मिले हैं और लेकिन कई जो बायर्स हैं उनके रिफंड नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए भी है कि अभी उनके लिए किस तरीके से कोर्ट का रास्ता यहाँ पर खुला है, क्या कोई निर्देश उनके लिए दिए गए हैं? देखिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि जो जिसने जिनका इन्वेस्ट था सोसाइटी के अंदर उनका भी मतलब जो फैसला है उनकी कोर्ट उनकी तरफ से आया मतलब आ चुका है लगभग लगभग, और जो जिनका बायस का पैसा डूबने की जो हम न्यूज चला रहे थे वो लगातार जो है इस समय उनकी तरफ पौधे से जाते नजर आ रही है कहीं ना कहीं, तो यही मामला है कि जो तीन चार गिरेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं बायस को यहाँ पर फायदा होने वाला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमें यहाँ पर दिखाते रहे, हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जो है वो अमर दिखाते रहे कि फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं वहां पर जो तस्वीरें जो जानकारियां निकल कर आ रही है कि बिल्डिंग के आसपास जो है वो टीम वहां पर मौजूद है जिनकी 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 निगरानी में वो ये सब जो ब्लास्ट है वो होना है। एक बड़ी खबर आ रही है अमर, लौटूंगी आपके पास एक बड़ी जानकारी, वो हम आपको सबसे पहले इस बीच बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, SBS ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, कई सड़कों को बंद भी कर दिया गया है सुबह से, हालांकि बंद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। त्राह से गेजुआ सब्जी मंडी मार्ग बंद कर दिया गया है और एल्डिको चौक से सेक्टर 108 की सड़क भी बंद कर दी। श्रमिक कुंज से फरदाबाद फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है और ट्विन टावर गिराने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। और अमर संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि इस पर तमाम अपडेट जो है वो हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। अमर फिलहाल कई रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए, हालांकि प्रक्रिया जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ दूसरे गाँव से लेकर 108 की तरफ जाएंगे, 108 से लेकर 790 तरफ जाएंगे, 782 तरफ जाएंगे, पूरा जो एरिया है पूरा सुबह से ही पूरा एरिया बंद कर दिया गया था। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का एरिया ये बताया जा रहा है जो पूरा सील किया गया है, केवल
पहले भी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि केवल मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी की यहाँ पर एंट्री है, बाकी आम जन की एंट्री यहाँ बिल्कुल प्रतिबंध की गई है। लगातार तस्वीरें आप देखें कि ट्विन टावर बिल्कुल हमारे पीछे ही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो है यहाँ पर ट्विन टावर की जो अभी तक गिराने की ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग ढाई घंटे का जो वक्त अभी तक शेष रह गया है अंजलि। जाहिर तौर पर अमर, क्योंकि तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और मीडिया जो है काफी दूर ये स्थान जो है उन्हें यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 2:30 बजे का वक्त, क्योंकि वहां पर जो टीम है 12 सदस्य टीम बताई जा रही है जिनकी निगरानी में पूरे जो ब्लास्ट हैं वो वहां पर लगाए गए, जो वहां पर विस्फोटक हैं वो वहां पर लगाए गए हैं। साथ ही जब ये काउंटडाउन शुरू हुआ था उस दौरान, क्योंकि शुरू पिछले 10 दिनों में उस टीम द्वारा निरीक्षण लगातार किया जाता रहा था, 32 जो मंजिला इमारत में रोज चढ़ना उतरना और वो सब लास्ट मिनट चेक करना, तो उनकी निगरानी में अभी ये पूरा ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा अमर। जी हाँ बिल्कुल, कि जो यहाँ पर जो टीम उनकी निगरानी में यहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा। 2:30 बजे का वक्त जो दिया गया था, 2:30 बजे यहाँ पर, ठीक 2:30 बजे जो है हम अब ये ट्विन टावर देखेंगे। 9 से 12 सेकंड के अंदर ये जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये ध्वस्त किया जाएगा। जो टीम जो है टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी, अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे, उसके अलावा मीडिया कर्मी जो अपनी कवरेज कर दिए काफी दूर से कर दिया, आपने बिल्कुल सही बताया, काफी दूर से जो है मीडिया कवरेज अपना कर रहा लगातार। और यही एक वक्त है जो उसके बाद 9 से 12 सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग हम आप जो पीछे देख सकते हैं 2:30 बजे के बाद ये बिल्डिंग आपको यहाँ पर नहीं आएगी अंजलि। जाहिर तौर पर अमर, क्योंकि एक बहुत लंबी जो ये संघर्ष यहाँ पर चला और हालांकि इसको लेकर भी स्थिति जो थी वो साफ नहीं थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हुआ कि इस पूरे मामले में कई जो अधिकारीगण हैं उन पर भी कार्रवाई यहाँ पर हुई कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग जिस तरीके से बनाई गई थी उसके बाद अब स्थिति यहाँ पर यह है कि इसे गिराया जा रहा है, लेकिन वो बायर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था उन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि बताया जा रहा है विस्फोटक इस तरीके से वहां पर फिट किए गए हैं कि जब ये ब्लास्ट होगा तो जो कंक्रीट है वो बाहर की तरफ ना आकर अंदर की तरफ ही जाएगा, इसके मद्देनजर जो आसपास की बिल्डिंग्स को ज्यादा नुकसान ना हो उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए अमर? देखिए इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो बिल्डिंग है बिल्कुल बिल्डिंग कहीं ना दाएं गिरे ना बाएं गिरे, बिल्कुल जो है एकदम पूरा जमीन के नीचे जो बिल्डिंग है उसी तरह से विस्फोट चलिए लगता है संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा हमारे संवाददाता से जुड़ने की और तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस ट्विन टावर के गिरने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन लोगों ने इसमें फ्लैट्स खरीदे थे उनका क्या होगा? ट्विन टावर में 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे, इसमें से सुपरटेक ने 652 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया है और मार्केट या बुकिंग वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की कीमत से बराबर प्रॉपर्टी दी गई है। वही आपको बता दें क्योंकि मामला जो था उसमें कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई यहां पर हुई है, लेकिन दरअसल प्रोजेक्ट का प्लान क्या था? सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के मामले में भी प्लॉट नंबर 4 पर आवंटित जमीन के पास 6.5561 वर्ग मीटर जमीन का टुकड़ा निकल आया, जिसकी अतिरिक्त लीज डीड जो थी 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम कर दी गई, लेकिन ये दो फ्लैट थे वो 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बन गया और इस प्लॉट पर सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 22 मंजिल के 16 टावर्स को बनाने का प्लान था। तो दरअसल यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बात बिगड़नी तब शुरू हुई जब 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का यहां पर निर्णय लिया और इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया। FAR बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट बना सकते थे, इससे सुपरटेक बिल्डर को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। यहां तक कि एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट ने के बायर्स ने भी किसी तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन बात
तब बिगड़ी जब फिर से रिवाइज प्लान में इसकी ऊंचाई 40 और 39 मंजिला करने के साथ ही 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिली। इसके बाद एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट ने बायर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहां पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था। तो यहां से ये विवाद जो था वो निकलकर सामने आया था। तो भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत के बनने की कहानी की शुरुआत करीब डेढ़ दशक पहले हुई थी। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटित 23 नवंबर 2004 को हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 मीटर वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई लेकिन उस दौरान जमीन की पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार जमीन बड़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस गगनचुंबी इमारत पर जो विस्फोटक हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। टीएस तिराहा में से गेजर सब्जी मंडी तक का जो तिराहा है वो मार्ग बंद रहेगा। प्रतिबंधित रास्ते हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। टीएस तिराहा से गेजा सब्जी मंडी तिराहा तक ये मार्ग बंद रहेगा क्योंकि एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से जो मार्ग हैं उन्हें बंद किया गया है। तो आज इस गगनचुंबी इमारत को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें भी हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं और जाहिर तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा। टावरों को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। टावर को गिराने के लिए 3,700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया है जो महज 12 सेकंड में टावर को धराशाही कर देगा। ट्विन टावर गिराए जाने के दौरान आसपास के लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से इसको लेकर स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की गई है।